अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, रमजान के मुबारक महीने में हैप्पी लाइफ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से यहां पर खाना तकसीम किया गया। यहां पर जो लोग दूर दूर से आते हैं इलाज के लिए, और कई जगह पर कई मौकों पर इनके पास रुपये भी नहीं होते और एक एक टाइम के खाने भी नहीं खाते, ऐसे लोगों को हैप्पी लाइफ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से खाने के पैकेट दिए गए और रमजान मुबारक महीने में सवाब करने का ये काम किया गया। इस तंजीम के सदर अशमतुनिसा बेगम और अलहज मोहम्मद रहमान, मोइजुर रहमान और हसन रहमान ये तंजीम के जिम्मेदार हैं और लगातार ऐसे गरीब लोगों में लगातार काम को अंजाम दिया करते हैं। कभी कपड़े तकसीम करते हैं, कभी ऐसे खाने के पैकेट तकसीम करते हैं और जरूरतमंद की जरूरत भी पूरी करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही ये काम को अंजाम दें। तकी रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट करें, हम लोग हमारे सारे घर पर भी हम लोग सारे राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट करें जो भी लोग ज़रूरतमंद है। स्पेशली रमज़ान का मौका है तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं हम लोग से कांटेक्ट किए और हम सब की मदद करने की कोशिश किए, जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं उनकी मदद। राशन किट डिस्ट्रीब्यूट करें और जो भी ज़रूरतमंद है वो लोग अभी भी हमारे पास आ रहे ये चीज़ के लिए और हम उनकी मदद कर रहे, घर का किराया भी दे रहे हम लोगों के जो नहीं दे सकते, और जिसको भी ज़रूरत है वो लोग हमसे कांटेक्ट करिए, इंशाल्लाह हम उनकी भी मदद करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी हमसे हो सक रहा इंशाल्लाह हम ज़रूर उनके जो भी नीड्स है वो पूरे करेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान में आम दिनों में भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते? नहीं, हम आम दिनों में भी करते, रमज़ान में इसीलिए ज़्यादा कर रहे ताकि दूसरे लोगों को भी ये चीज़ की अवेयरनेस होना कि उन लोग जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिसके घर में ईद के दिन पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते, जिसके पास ईद के दिन कुछ भी त्यौहार नहीं मनाया जाता, वो लोग को भी हक है मनाने का। इसीलिए हम चाह रहे कि जो लोग नहीं कर सक रहे तो दूसरे लोग उनकी मदद करना ये चीज़ में, और वो लोग भी ईद अच्छे से मना सकना, इसीलिए हम रमज़ान में ज़्यादा कर रहे हैं। आम दिन में भी हम ये करते रहते लेकिन रमज़ान में ज़्यादा कर रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशमतुनिसा है। आज मैं यहाँ पे जजगी खाना में न्यू मॉडर्न हॉस्पिटल पे मैं 100 से 120 खाने के पैकेट्स बांटी, जिसमें अपने लोगों भी है, गैर लोगों भी है, सबके लिए फूड डिस्ट्रीब्यूट करें हम लोग, ऐसा हर वक्त करते रहते हैं। रमज़ान की पहली को भी हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करे थे। आज कितने फूड डिस्ट्रीब्यूट हुए? आज 100 से 120 हुए, 120 पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। इंशाल्लाह फिर और करते रहेंगे ऐसा। तकरीबन मैं 2004-2005 से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। मैं अभी तक मैं फ्रंट में नहीं आई थी, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा और अवेयरनेस आए लोगों में भी, लोग भी और थोड़ा दे बोल के, इसलिए मैं कोशिश करी कि मीडिया में आऊँ बोल के। ये सेकंड और काम है इसका बांटने का आपका? जी हाँ, इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी मैं इंशाल्लाह। इसके बाद फिर मैं चारमीनार हॉस्पिटल और नीलोफर हॉस्पिटल पे भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगी खाना और फ्रूट्स, जो भी मेडिसिन वगैरह जिस किसी को भी कुछ ज़रूरत रहेंगी तो मैं इंशाल्लाह वो भी करूँगी मैं। बस दुआ करिए आप लोग कि अल्लाह ताला हमारे से काम ले। शुक्रिया।